स्वागत है आपका अपने चैनल एकलव्य स्टडी पॉइंट पे। और मेरा नाम है सचिन। और आज की इस वीडियो में जो क्लास 12th के स्टूडेंट हैं ज्योग्राफी सब्जेक्ट के, उनका आज ये टेस्ट नंबर सेकंड है। तो दूसरा टेस्ट आपका आज होने वाला है और मिशन 100 की तरफ हम धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं। जैसा मैंने आपको कहा था कि जब आप टेस्ट देना स्टार्ट करोगे तभी आपको पता चलेगा कि आपने कितनी तैयारी करी है। तो कल का जो टेस्ट हुआ उसमें जो रिजल्ट था वो कुछ बच्चों का काफ़ी अच्छा रहा और कुछ बच्चों ने फिर भी ऑप्शन बहुत सारे गलत बताए थे। और एक चीज़ आपको मैं क्लियर बता दूं कि बहुत सारे बच्चों ने टाइम लिमिट का पालन नहीं किया था। जब मैंने कहा था कि 6 से 8 बजे तक आपको टेस्ट लिख के भेजना है, बहुत सारे बच्चों का 8:30 बजे तक भी टेस्ट आ रहा था मेरे पास। तो मैं आपको बता दूं 8 बजे के बाद एक भी टेस्ट नहीं लिया जाएगा, ठीक है? 8 बजे के बाद कोई भी टेस्ट जो है वो चेक नहीं किया जाएगा। 8 बजे तक आपको अपना टेस्ट देना ही होता है। तो आप कृपया करके टाइम लिमिट का ध्यान रखें। और बहुत सारे बच्चों का जो टेस्ट है वो रिजेक्ट हुआ है फॉर्मेट की वजह से। मैंने आपको बताया है कि टेस्ट का फॉर्मेट क्या होना चाहिए। आपके बहुत सारे बच्चे ऐसे थे जो क्वेश्चंस भी साथ में उतार रहे थे। मैंने आपको फॉर्मेट बताया है, अगर आपको नहीं पता तो इस वीडियो के एंड में बताऊंगा। फॉर्मेट को दोबारा देखना और जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वो भी मैं आपको बताने वाला हूँ। तो देखते हैं कि टेस्ट की टाइमिंग आपको बार बार बताता हूँ, 6 बजे है। रिजल्ट जो है वो इंस्टाग्राम पे मैं लाइव आऊँगा। अगर वो टेस्ट 1 घंटे के अंदर चेक हो जाते हैं तो मैं 9 बजे से लेकर 9:30 बजे तक आपको मैं आपके रिजल्ट बता दिया करूँगा उसी दिन, सेम डे, ठीक है? मान लो आज आपका टेस्ट है 6 बजे, तो अब क्या होगा कि जब आपका रिजल्ट है वो मैं 9 या 9:30 तक आपका अनाउंस कर दूंगा इंस्टाग्राम पे। तो आपको इंस्टाग्राम पे ऑनलाइन रहना है क्योंकि 9 या 9:30 के बीच आपका रिजल्ट कभी भी आ जाएगा। और 8 बजे तक टेस्ट किसी भी हालत में आपको सबमिट करना है। अगर 8 बजे के बाद करोगे तो टेस्ट नहीं लिया जाएगा और कोई भी प्रकार का टेस्ट उसके बाद हम स्वीकार नहीं करेंगे। तो टाइम का खास ध्यान रखना, फॉर्मेट का ध्यान रखना। फॉर्मेट अभी दोबारा बताऊंगा आपको मैं। और एक चीज़ आपको और बतानी है, फिजिकल एजुकेशन का हमारा नया कोर्स जल्दी आने वाला है। और ज्योग्राफी का जो नया कोर्स है उसकी आप लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, आप देख सकते हैं जाके। और हिंदी का जो हमारा नया कोर्स है 2020 का, जो सिलेबस के अकॉर्डिंग, वो भी आप जाके देख सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। अब बात की जाए कि आपको अपने टेस्ट कहाँ भेजने होते हैं, तो क्वेश्चंस आपको जो मैं बता रहा हूँ यहाँ से यूट्यूब से लेने हैं और उनके आंसर अपने पेपर पे लिख के मुझे इंस्टाग्राम पे भेजने हैं फोटो खींच के। और वो इंस्टाग्राम का जो अकाउंट है वो ये है सचिन, और जो ये आगे यूजर नेम लिखा है इसी पे आपको भेजना है। और आपको मेरे प्रोफाइल की लिंक भी मिल जाएगी। आप दूसरे वाले अकाउंट जो सत्येंद्र सर का अकाउंट है उस पर आपको नहीं भेजना, आपको मेरे को भेजना है क्योंकि ज्योग्राफी आपको मैं पढ़ाता हूँ। तो अकाउंट का ध्यान रखना ताकि सही जगह भेजोगे तो सही जगह चेकिंग होगी। अब देखते हैं आज का टेस्ट जो है उसका पहला क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन है, एशिया में बहुत अधिक स्थानों पर कम लोग और कम स्थानों पर बहुत अधिक लोग रहते हैं, यह कथन किस विद्वान के द्वारा कहा गया? ठीक है, अब इसके 4 ऑप्शन है, माल्थस, रेड जेल और जॉर्ज बी क्रेसी, या इनमें से कोई नहीं। आपको बता दूं पिछले टेस्ट में जो पहला टेस्ट था आपकी हेल्प करी थी मैंने, शुरू के 5 क्वेश्चन बताए थे। आज मैं आपको नहीं बताऊंगा, सारे आंसर आपको खुद लिखने हैं। तो ये 4 ऑप्शन आपके सामने मैंने पढ़े हैं, आपको उसका करेक्ट आंसर लिखना है। और जो मेरा अकाउंट है इंस्टा का जहाँ पर आपको टेस्ट भेजना है वो आपकी स्क्रीन पे फ्लैश हो रहा होगा कॉर्नर में नीचे, तो आप इसको ज़रूर देखते रहिए। और दूसरा जो आपका क्वेश्चन है वो है, निम्नलिखित में से कौन सी दशा जनांकीय संक्रमण सिद्धांत की अंतिम अवस्था को दर्शाती है? अगर आपने जनांकीय संक्रमण सिद्धांत पढ़ा है तो उसकी अंतिम अवस्था में क्या होता है वो आपको इसमें से बताना है। ऑप्शन ए है उच्च प्रजननशीलता एवं उच्च मृत्युता, और ऑप्शन बी है महामारियाँ, ऑप्शन सी है जनसंख्या का अशिक्षित होना, ऑप्शन डी है नगरीय जनसंख्या एवं तकनीकी रूप से विकसित। तो ये 4 ऑप्शन है, इसमें से आपको करेक्ट आपका जो आंसर है वो आपको लिखना है अपने पेपर पे। अगला जो क्वेश्चन है तीसरा वो है, थॉमस माल्थस ने अपने सिद्धांत में कहा डैश, आपको बताना है कि थॉमस माल्थस ने जो अपना सिद्धांत दिया था उसने उस सिद्धांत में क्या कहा था। ऑप्शन ए है खाद्य आपूर्ति बढ़ेगी, ऑप्शन बी है लोगों की संख्या खाद्य आपूर्ति की अपेक्षा बढ़ेगी, ऑप्शन सी है खाद्य आपूर्ति में कोई परिवर्तन नहीं आएगा, और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो आपको इन 4ों में से करेक्ट आपका ऑप्शन जो होगा, जो आंसर होगा वो आपको बताना है। अब एक बात आपको बता दूं, बहुत सारे बच्चों ने, मतलब कुछ बच्चे ऐसे थे जिन्होंने कहा था कि 1-2 क्वेश्चन ऐसे हैं जो वीडियो में नहीं पढ़ाए गए हैं। तो मैंने आपको ये भी बोला हुआ है कि अगर आप वीडियो ढंग से देखो तो जो इंपॉर्टेंट चीज़ें होती हैं
वो हम वीडियो में आपकी कवर कर लेते हैं, जो आपके पेपर में आने ही आनी होती है। एक दो मार्क्स का अगर हम आपको नहीं बता पाते, एक दो मार्क्स का, तो सारी जिम्मेदारी हमारी नहीं होती है। कुछ बच्चे को खुद भी एनसीईआरटी पढ़नी होती है, तो आप खुद भी रीडिंग करोगे। बाकी जब एग्जाम का टाइम आता है तब तो हम एपिसोड में आपको कहने की भी जरूरत नहीं पड़ती, हम एपिसोड में सारे क्वेश्चन ए टू जेड कवर करवा लेते हैं, चाहे वो एमसीक्यू के छोटे हों चाहे वो ना हो। तो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, आपको खुद भी एनसीईआरटी पढ़नी है, थोड़ी मेहनत आपको खुद भी करनी पड़ेगी। तो यही है कि तीसरा क्वेश्चन मैंने आपको बता दिया है, ठीक है। तो थॉमस माल्थस ने अपने सिद्धांत में क्या कहा था, आपको इन चार ऑप्शन में से करेक्ट ऑप्शन आपको अपने आंसर में लिखना है। चौथा क्वेश्चन जो है आपका वो है भारत की वार्षिक जनसंख्या वृद्धि दर कितनी है, ठीक है। तो उसके चार ऑप्शन है, पहला ऑप्शन है 1.64%, ठीक है, मतलब 1.64%। ऑप्शन बी है 2.55%, और ऑप्शन सी है 3.22%, ठीक है, और ऑप्शन डी है 1.20%। तो ये मैंने आपके सामने पढ़ा है, ऑप्शंस पढ़े हैं आपके सामने, चार ऑप्शन है, करेक्ट आपको बताना है कि भारत की वार्षिक जनसंख्या वृद्धि दर कितने परसेंट है। पांचवा क्वेश्चन जो है वो है प्रवासी जो किसी नए स्थान पर जाते हैं, ठीक है, प्रवासी जो किसी नए स्थान पर जाते हैं वो क्या कहलाते हैं, आपको बताना है। ऑप्शन ए है शरणार्थी, ऑप्शन बी है आप्रवासी, ऑप्शन सी है उत्प्रवासी, और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो करेक्ट आंसर जो है आपको बताना है कि जो प्रवासी किसी नए स्थान पर जाते हैं वो क्या कहलाते हैं। तो ऑप्शन मैंने आपके सामने पढ़ दिया है। और जो अब छठा क्वेश्चन है आपका वो है अशोधित जन्म दर को डैश द्वारा व्यक्त किया जाता है, जो अशोधित जन्म दर होती है उसको किसके द्वारा व्यक्त किया जाता है आपको बताना है। तो ऑप्शन ए है प्रति हजार स्त्रियों द्वारा जन्म दिए गए जीवित बच्चों के रूप में, या ऑप्शन बी है प्रति लाख स्त्रियों द्वारा जन्म दिए गए बच्चे के रूप में, ऑप्शन सी है प्रति 10,000 स्त्रियों द्वारा जन्म दिए गए बच्चे के रूप में, या ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। करेक्ट ऑप्शन आपको बताना है अपने आंसर में, और फॉर्मेट का ध्यान रखते हुए आपको अपना आंसर भेजना है। मैं बार बार बता रहा हूँ, क्वेश्चन मत उतारना आंसर में अपने, जो पूछा गया है सीधा आंसर बताना है फॉर्मेट के हिसाब से। सातवां क्वेश्चन है विश्व के मध्यम घनत्व के क्षेत्रों में औसतन जन घनत्व डैश पाया जाता है, तो आपको बताना है कि कितना औसतन जन घनत्व जो घनत्व है वो पाया जाता है। तो दोबारा एक बार रीड कर देता हूँ क्वेश्चन, विश्व के मध्यम घनत्व के क्षेत्रों में औसतन जन घनत्व डैश पाया जाता है, आपको बताना है। तो ऑप्शंस हैं 100+ व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर, या 11 से 50 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर, या ऑप्शन सी है 200 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो करेक्ट जो आपका होगा वो आपको बताना है कि मध्यम घनत्व के क्षेत्रों में कितने लोग रहते, मतलब कितना जन घनत्व पाया जाता है औसतन, तो वो आपको बताना है। अब बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ, तो वो है आठवां क्वेश्चन जिसमें लिखा है कि निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र विश्व में सघन आबाद क्षेत्रों का एक उदाहरण है। जो मैंने आपको दूसरे चैप्टर में पढ़ाया था कि सघन आबादी वाले क्षेत्र कौन कौन से हैं, आपको उन्हीं का एक उदाहरण इनमें से बताना है कि कौन सा है। ऑप्शन ए है पश्चिमी चीन, ऑप्शन बी है नॉर्वे, ऑप्शन सी है संयुक्त राज्य अमेरिका का उत्तर पूर्वी भाग, ऑप्शन डी है उत्तरी ध्रुव। तो करेक्ट ऑप्शन जो है आपको वो अपने आंसर में लिखना है। नौवां क्वेश्चन जो है वो है निम्नलिखित में से क्या प्रवास के एक अपकर्ष कारक है, में से क्या प्रवास का एक अपकर्ष कारक है, ठीक है, अपकर्ष याद रखना अपकर्ष कारक है। तो चार ऑप्शन है बेहतर स्वास्थ्य सुविधा, ऑप्शन बी है बेहतर शिक्षा, ऑप्शन सी है बेहतर रोजगार, और ऑप्शन डी है उपरोक्त सभी। तो क्या आपको बताना है इनमें से कोई एक है या उपरोक्त सभी हैं, ये अब आपके ऊपर है, आपको बताना है अपने टेस्ट में। तो मैंने आपके सामने ऑप्शन पढ़ दिए हैं। दसवां क्वेश्चन जो है वो है निम्नलिखित में से कौन सा जनसंख्या परिवर्तन का घटक नहीं है, निम्नलिखित में से कौन सा जनसंख्या परिवर्तन का घटक नहीं है। तो ऑप्शन ए है जन्म, ऑप्शन बी है मृत्यु, ऑप्शन सी है प्रवास, और ऑप्शन डी है नगरीकरण। तो जो करेक्ट होगा वो आपको बताना है। 10 क्वेश्चन मैंने, जो आपके 10 क्वेश्चन थे वो मैंने आपको दे दिए हैं। एक बार फॉर्मेट दोबारा बता देता हूँ कि नेम लिखना है आपको अपने टेस्ट के ऊपर, फादर नेम लिखना है, और लोकेशन लिखनी है अपनी, और आंसर का जो फॉर्मेट है वो सिर्फ इतना लिखना है, पहला क्वेश्चन डालना है और उसके बाद आपको ऑप्शन नंबर सही जो है वो लिखना है और उसका आंसर लिखना है। तो इस फॉर्मेट में टेस्ट आएंगे तो मैं चेक करूंगा, और अगर 8 बजे से पहले पहले आ जाएंगे तो मैं चेक करूंगा। इसके बाद अगर कोई देता है और बिना फॉर्मेट के देता है, और आपको क्लियर बता दूं जो रिजल्ट की लिस्ट होगी उसमें केवल उन्हीं बच्चों का नाम होगा जिनके सारे आंसर सही होंगे, ठीक है। अगर किसी का नाम नहीं आता उसमें तो आप ये समझिए कि आपका एक या दो क्वेश्चन या कोई ना कोई गलत रहा है, जिसकी वजह से आपका टेस्ट रिजेक्ट कर दिया जाएगा। तो अब आपको हताश नहीं होना है, आपको और मेहनत करनी है आने वाले टेस्ट के लिए, क्योंकि यहाँ मिशन 100 की बात चल रही है, और 100 की जो 100 का जो मतलब होता है वो होता है एक भी गलती ना होना। तो आपको लगातार प्रयास करते जाना है, कभी ना कभी आपका नाम जरूर आएगा, और जिनका आया है कल के टेस्ट में नाम उनके लिए बहुत बहुत बधाई। और अब
इसी के साथ हम इस वीडियो को समाप्त करते हैं। टेस्ट को आपको अच्छे से देना है, ऑल द बेस्ट। तो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।